Chocolate flavor? Yes. Yeah. I also want that chocolate. Chocolate. I like chocolate. अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ मेरा एक्सपेंस कितना हुआ और कितना बजट होना चाहिए रशिया ट्रिप के लिए आज की तारीखों में। आ गए आखिरी वीडियो देखने रशिया सीरीज का, इम्पोर्टेंट वीडियो है, जाहिर सी बात है आखिरी वीडियो है, इसके बाद रशिया अभी पता नहीं कितने टाइम बाद देखने मिले, सही बात है। ये वीडियो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि मेरा कितना खर्चा हुआ और 15 दिन का आपका भी कितना खर्चा हो सकता है रशिया सीरीज का, और भी बहुत सी चीज़ें बताऊंगा। तो इस वक्त जैसे कि आपको पता है मैं हूँ मॉस्को सिटी में और आज हम गुम मॉल जाएंगे। मेरे को भी पहले गम मॉल लगता था। क्या हो गया? ये मेरा वीडियो ले रही है। हाय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज वैलेरी। वैलेरी एंड व्हाट्स योर नेम? पलीना। पलीना, वैलेरी एंड पलीना, नाइस टू मीट यू। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज प्रतीक जैन। Okay, what's your favorite food in Russia? Favorite food? See, I'm a vegetarian, so I only prefer vegan food. So There's a vegan restaurant here, so I go and probably eat vegan food. But I love Indian food. I would like to try. Yeah, sure. So on Google Maps, wherever you go, just search Indian restaurants. Maybe you can get, and you would definitely like that food. It is expensive. No, it's cheap. Cool. Yeah, Indian food is cheap. And by the way, I just want to compliment you guys are so good in English. Yeah, thank you. Yeah. You too. Oh, thank you so much. Foreign tourists तो आज के तारीखों में कम दिख रहे हैं, लेकिन हाँ चाइना से कुछ लाइव स्ट्रीमर वगैरह बहुत दिखे मेरे को। तो ये हम आ गए हैं गुम मॉल, मॉस्को की वन ऑफ द फेमस मॉल। इनफैक्ट कुछ हॉलीवुड मूवी में भी ये मॉल बताई गई है, जहाँ पे पब्लिक आती है फोटोशूट वगैरह भी कराने के लिए। है इतनी सुहावनी ना, अजी सुहावने तो आप लोग भी हो, है ना। एनीवेज, अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ मेरा एक्सपेंस कितना हुआ और कितना बजट होना चाहिए रशिया ट्रिप के लिए आज की तारीखों में। उसके बाद अंत में गुम मॉल घुमा के वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ कि मेरा खर्चा कितना हुआ, तो उससे पहले ये बता दूं कि आप ट्रैवल कैसे कर सकते हो रशिया, क्योंकि आज की तारीखों में अगर स्काई स्कैनर वगैरह में आप देखोगे, गो आई बी बो वगैरह कोई भी ऐप ले लो, तो उसमें रशिया की फ़्लाइटें इंडिया से दिखेगी नहीं अभी, है ना। हालांकि जून जुलाई के महीनों से फिर भी कभी कभी दिख भी जाती है। तो ऐसा है कि आप एरोफ्लोट हो गया, पोबेडा हो गया, ये सब की, या फिर फ्लाई दुबई होगी, डायरेक्ट वेबसाइट से उनके आप बुकिंग कर सकते हो, या तो वाया दुबई जैसे कि मैं गया था, या तो वाया दिल्ली एरोफ्लोट वगैरह, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, इंडिया से एरोफ्लोट वगैरह 80 फ्लाइटें, जी हाँ, टोटल 80 फ्लाइट्स चालू होने वाली है इंडिया और रशिया के बीच में, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी बहुत पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर रेट्स की अगर बात करूँ तो 35,000 में या फिर 40,000 पकड़ के चलो सेफर साइड में, रिटर्न टिकट मिल जाएगी आपको इंडिया से रशिया, रशिया से इंडिया की, ठीक है। तो अगर मेरे खर्चे की बात करूँ तो मैं दुबई से करता हूँ खर्चा स्टार्ट, बिकॉज दुबई तो मेरे को ऐसे भी जाना था, काम था, तो दुबई से मेरी फ़्लाइट थी 50,000 की, रिटर्न टिकट पड़ी मेरे को, क्योंकि 45,000 एंड समथिंग था रूबल में, तो इंडियन करेंसी में हो गया 50,000 के आसपास फ्लाइट का, दुबई मॉस्को दुबई, ठीक है। सेकंड एक्सपेंस है वीज़ा का, तो वीज़ा का इंक्लूडिंग इनविटेशन लेटर का कॉस्टिंग है ऑर्डिनरी वीज़ा, जो कि 30 डेज़ का सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा होता है, और वो ऑर्डिनरी मतलब 10 दिन से 15 दिन के बीच में आपको मिलता है। उसका कॉस्टिंग है तकरीबन 10,000 रुपया, बिकॉज 8,000 साढ़े 8,000 रुपया तो वीज़ा फ़ीस है, प्लस $20 के आसपास आपका इन्विटेशन लेटर लग जाता है, वही बात है, तो हो गया ना 10,000 के आसपास। तीसरा खर्चा है इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन, जो आप एक शहर से दूसरे शहर जाओगे ना, फॉर एग्जांपल मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग या फिर मुरमांस्क, 2-3 जगह जो मैं गया था, मॉस्को से मुरमांस्क की फ़्लाइट, मुरमांस्क से सेंट पीटर्सबर्ग की ट्रेन और सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को की ट्रेन, तो मेरा टोटल साढ़े 14,000 रूबल लगा, मतलब आप कह सकते हो 16,000 रुपये के आसपास इंडियन करेंसी में। तो ये हो गया 16 प्लस 10 वीज़ा प्लस 50 फ्लाइट का। अब बात आती है कि रशिया में मेरा जो 14 दिन था उसमें रहना, खाना, पीना, घूमने का खर्चा कितना हुआ, तो टोटल मैं 35,000 रूबल लेके आया था, राइट, जो कि 40,000 रुपये के आसपास पड़ा था मेरे को इंडियन करेंसी में, जो मैंने खरीदी थी मुंबई से ही। तो उसमें से अभी मेरे पास 8,000 रूबल अभी भी बचा है, और रात की मेरी फ्लाइट है, तो 2,000 भी और मैं खर्चा करूँ खाने पीने में। यहाँ से 500 रुपये की ट्रेन में जाके एयरपोर्ट जाऊँगा, एयरपोर्ट पर 4 घंटा बिताऊँगा, सोऊँगा, है ना, पानी की बॉटल खरीदूँगा, कुछ खाऊँगा, वही बात है, तो भी मेरे हाथ में 6,000 रूबल बचेंगे, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ 29,000 रूबल का खर्चा हुआ है ये पूरे 14 दिनों में, जो कि इंडियन करेंसी में 33,000 पकड़ लो। ये जो 33,000 इंडियन रुपीस जो भी खर्चा हुआ 14 दिन में, उसमें मेरा रहना भी हो गया, बिकॉज हॉस्टल में ही रुका था डेली, उसमें से 1-2 रात तो हॉस्टल में रुकने का जरूरत भी नहीं पड़ा था, बिकॉज ट्रेन का सफ़र था, तो वही बात है। और 700 रूबल 750 रूबल के आसपास ही लगा था हर हॉस्टल में रेट पर नाइट की अगर बात करूँ तो। और खाने पीने का तो आपको पता ही है कि मैंने घर से कुछ वेजिटेरियन खाना लेके आया था और यहाँ पे थोड़ा सा महंगा पड़ता था लेकिन एवरेज आउट हो जाता था जिसकी वजह से सस्ता पड़ता था। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत सस्ता पड़ेगा। जो मैं 600 का बर्गर खाता हूँ ना रूबल, तो आपको 250 रूबल में मिल जाएगा नॉन वेजिटेरियन का, वही बात है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करता था, मैंने कभी टैक्सी वैक्सी इतनी ली नहीं। तो मेट्रो वगैरह जिंदाबाद। मॉस्को में तो हर जगह पे आपको मेट्रो की सुविधा है तो दिक्कत ही नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग में भी 11 नंबर की बस यानी कि चलना या फिर मेट्रो, दैट्स इट। तो कुल मिलाकर अगर ये सारे खर्चे पकड़ूँ 33,000 इंडियन रुपीस का इंटरनल खर्चा हो गया, वीज़ा हो गया, फ्लाइट हो गया, तो मेरा दुबई से लेकर दुबई तक 1,09,000 रुपया लगा, ठीक है। अभी अगर आपको भी रशिया प्लान करना है, 2 हफ्ते का ट्रिप करना है, तो आप भी 1,00,000 रुपया तो पकड़ के चलना, क्योंकि अगर आपका पैसा बच के किधर बचेगा, तो एक तो यही बच सकता है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो हल्का फुल्का खाने में बच सकता है, या फिर मेन खर्चा आपका फ्लाइट में ही बचेगा, फ्लाइट के अलावा नहीं बचेगा। मैंने अगर मेरा 50,000 रुपया जोड़ा है तो ट्रस्ट में अगर फ्लाइट सस्ती भी हो जाए तो आपको 40,000 तो पकड़ना ही है सेफर साइड। 30,000 में भी मिलेगी, मैं ये नहीं कह रहा 30,000 में भी नहीं मिलेगी, वो भी वक्त आएगा जब 30,000 में रिटर्न टिकट 100% मिलेगी दिल्ली वगैरह से, लेकिन 40,000 फिर भी पकड़ लो तो 1,00,000 रुपया आप पकड़ के चलना कि भैया 2 हफ्ते का मेरे को रशिया ट्रिप करना है, दैट्स इट। अच्छा, अगर आप बहुत ही बजट कॉन्स्टेंट हो, मतलब बहुत ही बजट फ्रेंडली हो, आपको मतलब काउच सर्फिंग के सहारे रहना है और आप कर भी सकते हो वैसा सारी चीज़ें, है ना। हिच हाइकिंग की तो बात ही नहीं करता हूँ क्योंकि वो अपने लीग से अलग है बीइंग अ ट्रैवलर, लेकिन एक बार फिर भी काउच सर्फिंग कुछ लोग ट्राई कर सकते हैं, बजट ट्रैवलर तो भी 10-15 हज़ार तो वैसे ही बच जावे खाने पीने में। जैसे मैंने कहा कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो खाने पीने का भी इतना बच जाएगा, तो वही बात है। तो और 85,000 तक भी आप पहुँचा सकते हो अपने बजट को 2 हफ्ते ट्रिप का रशिया का, डिपेंड करता है सारी चीज़ें आप पे, वही बात है। कुछ लोग ऐसा भी है जो कहते हैं कि नहीं 2 हफ्ता का हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि हम जॉब वॉब करते तो 1 ही हफ्ता, तो भाई 7 दिन का ट्रिप है अगर मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग ही करना है, लेकिन उसमें इतना कुछ नहीं बचेगा पैसा, ट्रस्ट में उसमें और 10,000 बच जाएगा, बिकॉज आपको वीज़ा और फ्लाइट तो उतना ही लगना है। मोटा मोटी कहने का मतलब यही है कि मेरा 1,09,000 रुपया इंडियन करेंसी में गया, उसमें सब कुछ आ गया, इंक्लूडिंग सिम कार्ड भी ले लो, जो पहले दिन एयरपोर्ट पे सिम कार्ड लिया था ना वो भी आ गया इसमें, वही बात है। और मैं आपको मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग या फिर रशिया के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँ तो यही बता सकता हूँ कि सही टाइम आना रहेगा जून के महीने में। ये मई के महीने में वीडियो है, आई नो, तो जून के महीने से बहुत बेस्ट, क्योंकि मैं जब पिछली बार आया था जून के महीने में ही आया था 2021 में, ओए होए बहुत शानदार। मतलब स्पेशली सेंट पीटर्सबर्ग की बात करो, इसका कारण ये है ना कि आपने मेरे सेंट पीटर्सबर्ग के अभी के वीडियो देखे और पहले के वीडियो देखे तो कितना फ़र्क है आपको पता है। उस टाइम पब्लिक दिखेगी, गार्डन भरे हुए रहेंगे, बीचेस में पब्लिक रहेगी, अभी तो बीच पे भी बर्फ़ था, रोड पे भी बर्फ़, गार्डनों पे भी घास नहीं बर्फ़, तो हर जगह बर्फ़ था, जिसकी वजह से पब्लिक कम दिखेगी। लेकिन वही बात है, पिछली बार मैं गर्मी में मेरे को एक्सपीरियंस लेना था, इस बार मेरे को ठंडी का लेना था, लेकिन अगली बार जब भी आओगा तो गर्मियों में ही आओगा, ये पक्की बात है। एनीवेज, अगर पब्लिकों की बात करें ना रशिया की, तो भाई साहब यहाँ पे पहली बात तो ये कि इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है। मॉस्को में तो फिर भी आपको लोग कुछ मिल जाएंगे जिनको इंग्लिश आती है, लेकिन प्लेस लाइक मुरमांस्क, सेंट पीटर्सबर्ग, कज़ान, वहाँ पे पब्लिक को ना इंग्लिश बहुत कम आती है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना, ट्रांसलेटर तो आपके पास होना ही चाहिए। और पब्लिक का बिहेवियर में भी काफ़ी फ़र्क है, मतलब सच कह रहा हूँ, मॉस्को में थोड़ी पब्लिक फिर भी व्यवस्थित मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू सेंट पीटर्सबर्ग। इसका मतलब ये नहीं कि सेंट पीटर्सबर्ग में व्यवस्थित नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी सेंट पीटर्सबर्ग में थोड़े बहुत मेरे को अलग से वाइब्स मिले, लेकिन मॉस्को में आपको दूसरी चीज़ें बहुत सारी मिलेगी, आई मीन ये लंबी लंबी मॉल्स वगैरह, और इसका माहौल बहुत ही प्यारा है। अब मैं आपको घुमाता हूँ, है ना, क्योंकि बहुत हो गई बातें, बहुत हो गई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, अब मैं आपको ये मॉल घुमाता हूँ। Only milk? No egg? No egg. Okay. No. Either chocolate flavor? Yes. Yeah. I also want that chocolate. Chocolate. I like chocolate. Thank you for letting me know this is vegetarian. No, not at all. आ गई ice cream? Yes, ice cream. Yes. हाँ, आ गई. ये माला आ गया. मेरे को लेना था चेरी वेरी, है ना, इन्होंने कहा कि ये कैरामेल अच्छा है, क्रैमबेरी एंड व्हाट्स है, क्रैम ब्रूले, ओके ठीक है, मान लेता हूँ आपकी बात। 200 ओके धन्यवाद। 100 रुपए की है ठीक है बढ़िया यार। ये तो मावे की है। हाँ 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 कुल्फ़ी नहीं खाते बस वैसे ही है कुल्फ़ी फ्लेवर है। बस तो फिर आज रात को ही निकल जाऊंगा एयरपोर्ट के लिए क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग की मेरी फ्लाइट है दुबई के लिए है ना। फिर डायरेक्ट अपन दुबई में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको बहुत कुछ मिल गया है जैसे कि सारी जानकारी मेरा कितना खर्चा हुआ रशिया ये ट्रिप में, आपका भी कितना हो सकता है, फ्लाइट्स का पंगा, वीज़ा का पंगा, लोगों का पंगा क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें आपको बताई है ना। हर वीडियोस अगर आपने देखे रशिया सीरीज़ के तो आपने अनुभव भी किए कि सेंट पीटर्सबर्ग, मुरमांस्क, मॉस्को कैसा है क्या है, एंजॉय हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, इन्फॉर्मेशन मिला, सब कुछ मिला। यूँ ही बने रहिए आगे के वीडियोस ऐसे ही तो मिलेंगे है ना। और अंत में गुम मॉल भी बता दिया जहाँ पे लगभग सारी ही ब्रांड्स हैं और आप शॉपिंग कर सकते हो। मैं नहीं कर रहा, मैं शायद दुबई जाके करूँगा। तो मिलते हैं ना फिर नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट दुबई।